Hello student, welcome to your social science class. Today our topic in history first chapter, tracing change through a thousands of year. Yesterday we discussed about historians and their source with archaeological source. I hope you understand the topic. Here we discuss the literary source and other topic of this chapter. So listen the video carefully. Okay student, so our first literary source. हमने आर्कोलॉजिकल जो सोर्स हैं उसके जितने भी पॉइंट्स थे वो कल डिस्कस किए थे आज हम लिटरेरी सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो लिटरेरी सोर्स होता है उसके अंदर हमारा फर्स्ट है रिलीजियस लिटरेचर उसके अंदर हमारा फर्स्ट कौन सा है रिलीजियस लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर के अंदर क्या इंक्लूड होता है कि कोई भी वो बुक्स वगैरह जैसे जो भी हमारी बुक्स हैं जो मतलब गॉड से रिलेटेड होते रिलीजियस वर्क होता है उनमें जैसे कोई भी हमारे मतलब वेद वगैरह हो गए भक्ति से रिलेटेड कुछ हमने मतलब बुक्स वगैरह लिखी हमारी कोई पोइट्रीज हैं एपिक्स हैं तो वो हमारे रिलीजियस लिटरेचर के अंदर इंक्लूड होते हैं और ये हमारा लिटरेरी सोर्स के मेन मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स हैं ठीक है तो रिलीजियस लिटरेचर्स के अंदर हमारे मतलब कौन सी बुक्स इंक्लूड होती है उसके अंदर सभी हमारी जो रिलीजियस बुक हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती है सेकंड हमारा इसके अंदर सर्कुलर लिटरेचर्स सर्कुलर लिटरेचर्स के अंदर हमारे क्या होते हैं जैसे एक कॉर्निकल्स होता है इसके अंदर उसमें क्या होता है कि मीन्स ए रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग एंड लाइफ एट दियर कोर्ट कि मतलब कोई भी जो किंग्स है उसके रूल रेगुलेशन के बारे में उसके कोर्ट्स के बारे में कि उसके दरबार में क्या होता था उसकी लाइफ कैसी थी वो हमें कॉर्निकल मतलब एक सीक्वेंस वाइज हमें मतलब रिटर्न में मिलती है ठीक है और ये जो बुक्स वगैरह हैं ये जो काफी मतलब जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखे जैसे राज तरंगनी है एक संस्कृत की बुक है जो किसने लिखी कल है कलहन ने ठीक है इसमें मतलब जो कश्मीर के जो किंग्स हैं उनके हिस्ट्रीज के बारे में बताया गया है सेकंड हमारे इसके अंदर है तारीख फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बरेनी ये उसने लिखी है इसमें मतलब क्या है जो दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके बारे में हमें मतलब जानने को मिलता है ठीक है थर्ड है इसके अंदर हमारा बायोग्राफी बायोग्राफी के अंदर क्या होता है कि हमें मतलब जो उस समय के जो रूलर्स थे उनके बारे में जानने को मिलता है ठीक है एक इसमें तो बायोग्राफी, होते है बायोग्राफी होती है और ऑटोबायोग्राफीज होती हैं बायोग्राफीज में क्या होता है कि हम किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं जैसे पृथ्वीराज रासो है वो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया था ठीक है हिमा, हिमायुनामा था वो गुल बदन बेगम के द्वारा लिखा गया है तो बायोग्राफी में क्या होता है कि हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिखते हैं एक होता है ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है कि हम खुद के बारे में लिखते हैं जैसे तुर्के बाबर है वो बाय बाबर के द्वारा लिखी गई थी तुर्के जहांगीर है वो जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्लियर हो गया तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इन बुक्स से भी हमें जैसे जो पृथ्वीराज रासो है और हुमायू नामा है तुर्क बाब, बाबर है तुर्क जहांगीर है इनके बारे में भी जब हम इन बुक को पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री के बारे में काफी सोर्स मिलते हैं जैसे उस समय की इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी ठीक है फोर्थ हमारा इसके अंदर है ट्रेवलर्स इसमें जैसे ट्रेवलर्स क्या होता है जैसे कुछ उस समय जो मतलब ट्रेवलर्स थे जैसे इबन बत्ता था मार्को पोलो थे निकलो थे आ, और दूसरे थे ट्रेवल्स वो क्या करते थे कि वन प्लेस से अनदर प्लेस में सर्च करते थे मतलब मूवमेंट होता था उनका वो मूवमेंट किस लिए करते थे कि उस एक पर्टिकुलर एरिया के मतलब सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस को मतलब वो रीड आउट करते थे और फिर मतलब उसको बुक्स वगैरह के अंदर रिटर्न करते थे और वो भी हमारे इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को नॉन करने के लिए ठीक है तो बायोग्राफिक हो गया ट्रेवल हो गया अब नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है कि हमें मतलब जो हिस्ट्री के जो सोर्स हैं जैसे जो रिटर्न में मिलते हैं कुछ हमें और मिलते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं मतलब हिस्ट्री को नॉन करने के लिए तो लिटरेरी सोर्स के अंदर हमारे रिलीज लिटरेचर हो गया सर्कुलर लिटरेचर हो गया बायोग्राफिक्स हो गया ट्रेवलर्स हो गए और डॉक्यूमेंट्स हो गए ठीक है तो ये सभी क्या करते हैं हमारे मतलब लिटरेरी सोर्स हैं ठीक है क्लियर अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर क्या है हमारे फर्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट करना मेडिवल पीरियड्स के अंदर जो पीपल्स थे उनमें मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट था और वो मूवमेंट किस लिए करते सर्च ऑफ वेल्थ या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए या फिर लैंड के लिए तक उनको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज है वो मिल सके और वो उनसे कुछ नया क्रिएट कर सके तो मेडिवल पीरियड्स के दौरान जो मोबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हुई थी मतलब लोगों का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हुआ था सेकेंड है हमारा न्यू आइडियाज देखो जब मूवमेंट्स होंगे तो नेचुरली uh, हमारे इस क्या होंगे न्यूज आइडिया है वो क्रिएट होंगे जब हम मूवमेंट करते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे जो न्यू आइडियाज है वो क्रिएट होंगे तो मेडिकल पीरियड्स के अंदर भी क्या हुआ कि जब ये ट्रेवलर्स थे या पीपल्स थे जब उन्होंने मूवमेंट किया तो वो अपने साथ मतलब न्यू आइडियाज लेकर मतलब वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे या अनदर प्लेस पे गए जैसे उसमें कुछ न्यू क्रॉप्स भी हो गए कुछ न्यू इन्वेंशन भी हो गए न्यू टेक्नोलॉजी भी हो गए न्यू व्यूज भी हो गए तो इससे क्या हुआ कि जो सोशल पोलिटिकल और इकोनॉमिक और जो कल्चर है ना उसमें चेंज आया ठीक है अब देखो जब हमने मोबिलिटीज हो गए न्यू आइडियाज हो गए तो बिल्कुल नॉर्मल है कि इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा और ये इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर हुआ उसमें क्या हुआ कि जैसे उस दौरान जो व्हील है उसको हम इरीगेशन के अंदर हमने यूज किया उसको स्पिनिंग के अंदर भी हमने यानी वीविंग के लिए हम उसको यूज किया ठीक है तो ये सभी चेंज मतलब मेडिवल पीरियड्स के दौरान हुए थे अब न्यू क्रॉप देखो जब न्यू आइडियाज आए मोबिलिटीज हुई मूवमेंट हुआ लोगों का इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई तो न्यू क्रॉप भी क्या हुई कि हमें मतलब देखने को जैसे उस समय क्रॉन चिली टी कॉफी ये कुछ न्यू क्रॉप्स जो लोगों में इंट्रोड्यूस हुई थी जब न्यू क्रॉप आई तो न्यू पीजेंट्स ग्रुप पीजेंट्स होते हैं फार्मर यानी वो भी मतलब फिर आ, सामने आए उन्होंने भी क्या किया कि जैसे जो लैंड पे पहले फॉरेस्ट वगैरह था उसको क्लियर किया उसको एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर किया और मतलब न्यू क्रॉप्स वगैरह उसके अंदर मतलब उन्होंने ग्रो की और जिससे क्या हुआ कि मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ ऊपर की जितनी भी हमने जो कंडीशन पढ़ी जैसे मोबिलिटीज पढ़े हैं न्यू आइडियाज पढ़ा है इम्प्रूवमेंट पढ़े हैं न्यू क्रॉप पढ़ी है न्यू पीजेंट्स ग्रुप पढ़े हैं इससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमिक और जो सोशल जो चेंज है लाइफ में वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुए थे अब इसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है जाति इसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है जाति अब नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर जाति नेक्स्ट क्या है इसके अंदर हमारा जाति देखो जाति क्या इसका मीनिंग क्या होता है कि सब कास्ट जो भी हमारी कास्ट होती है एज अ सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंट जैसे हमने पढ़ा कि इस टाइम जो हमारी सोसाइटी थी वो कैसे होगी थी थोड़ी तो डिफरेंट होगी थी क्योंकि लोगों में मोबिलिटीज भी थी न्यू आइडियाज भी थे उनकी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूवमेंट हो रही थी उनमें न्यू क्रॉप्स वगैरह भी उन्होंने ग्रो की न्यू पीजेंट्स भी ग्रुप्स मतलब आगे क्रिएट हुए और तो उससे क्या हुआ कि लोगों में क्या हुआ कि मतलब एक नया ग्रुप सामने आया जो जाति मतलब कास्ट से थोड़ा सा पॉपुलर हुआ दी जातीज वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ये जो जातीज थी वो अपने बैकग्राउंड और देयर से मतलब जाती थी उस अकॉर्डिंग इनको रैंक मिली थी कि भाई ये अपर है ये लोअर है या मिडिल है ये ठीक है और ranks वर नॉट फिक्स और जो ये रैंक्स थी वो फिक्स नहीं थी उसके अंदर क्या होता था चेंज होता रहता था ठीक है और दे उनकी जो पावर्स थी उनके जो रिसोर्सेस थे वो क्या होते थे उनके जो मेंबर्स होते थे जाति के वो उनको कंट्रोल करते थे और द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन और जो स्टेटस होता था मतलब उनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड होता था जाति का वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता था अलग अलग रीजन के अंदर ठीक है जैसे कहीं पे किसी जाति का अलग रुतपा होता था और उसी जाति का दूसरी जगह थोड़ा सा जो उसकी जो रेपुटेशन थी वो अलग होती थी ठीक है तो ये जो जातिज थी ये इनके जो काम काज थे वो क्या होता था कि इसमें हम पढ़ेंगे कि ईच जाति फेम्ड इट्स ओन रूलर एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर कि हर जाति के अलग अलग अपने मतलब रूल्स रेगुलेशन होते थे और उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को कंडक्ट करती थी ठीक है जो जाति का जो उस जाति के अंदर जो भी एल्डर पर्सन होता था वो मतलब इन रूल रेगुलेशन को मतलब इम्प्लीमेंट करता था उनको देखता था जाति हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज आल्सो और जो जाति के जो लोग थे वो अपने जाति के रूल रेगुलेशन तो फॉलो करते थे साथ साथ जो विलेज के जो रूल रेगुलेशन थे वो उनको भी क्या करते थे फॉलो करते थे विलेज के रूल रेगुलेशन भी वो फॉलो करते थे थी। ठीक है और सैरवल विलेज जो विलेज के जो काफी गाँव के जो जाती वगैरह होती थी वो गवर्न बाय द एक हैड यानी उन सभी का एक फिर हैड होता था तो ये इसके अंदर जाति के अंदर इंक्लूड था ठीक है अब हमारे मतलब न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप आपको क्लियर हो गया अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि राजनीतिक डेवलपमेंट उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ तो इसके अंदर क्या था कि इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ था हमारे इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल है वो इंक्लूड हुए थे इस टॉपिक को स्टूडेंट्स हम कल की जो टुमारो जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आई विल आई विल डिस्कस दिस टॉपिक ओके स्टूडेंट